बीएड पेपर नंबर वन टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इट वाज सेक्युलरिज्म। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा निरपेक्षवाद यानी कि धर्म निरपेक्षवाद के बारे में, सेक्युलरिज्म के बारे में। हम सब जानते हैं भारत एक बहुत ही विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार अलग अलग धर्म हैं और किसी प्रकार की किसी के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि वो किस धर्म को फॉलो करें। तो इट मीन्स दैट कि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी को कोई भी धर्म अपनाने की पूरी से पूरी स्वतंत्रता है। तो वहीं पर क्या है, जहाँ पर धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान माना गया है, वहीं पर सभी को ये छूट दी गई है कि आप किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म को का जो है फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहा गया है, 19वीं शताब्दी में जो है जॉर्ज ने इसको सेक्युलरिज्म बोला है। वे कहते हैं इसके अकॉर्डिंग जो मनुष्य की प्रकृति के शरीर शारीरिक नैतिक बौद्धिक विकास को उच्चतम बिंदु तक और उसके कर्तव्य के रूप में खोजता है और सामाजिक विकास के लिए प्राकृतिक संस्कृतिकरण पाश्चात्यकरण और आधुनिकीकरण नीतियों का व्यवहारिक पर्याप्त का विकास करती है, इसे हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हॉलीडेक हैं, उन्होंने कहा है हॉलीडेक जो है एक उत्तराधिकारी रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म इज हॉस्टाइल टू रिलीजन, यानी कि धर्म निरपेक्षवाद धर्म के विरुद्ध है। मीन्स आप क्या कर सकते हैं, धर्म निरपेक्षवाद है, यह विश्वास है कि राज्य के सदाचार शिक्षा आदि धर्म से स्वतंत्र होने चाहिए, यानी कि इन सब चीज़ों से जो है हमारी शिक्षा है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी भाषा के अंदर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। महात्मा गांधी जो है उन्होंने अपने विचार रखे, वे कह रहे हैं कि धर्म की आत्मा एक है परंतु विभिन्न रूपों में कैद है। बुद्धिमान लोग बाहरी परत की उपेक्षा कर देते हैं और विविध परतों के नीचे एक ही आत्मा को देखते हैं। उन्होंने कहा कि लंबे अध्ययन और अनुभव के पश्चात उन्होंने बताया इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्म जो हैं वो सच्चे हैं। सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए, पालन करना चाहिए। मुझे जितना मेरा धर्म प्रिय है उतना ही, यानी कि मुझे जितना मेरा हिंदू धर्म प्रिय है अन्य लोगों को भी अपना धर्म उतना ही प्रिय है। यह मेरा विश्वास है कि सभी धर्म जो हैं अच्छे हैं और सच्चे हैं। ठीक है, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो है भारत के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, विविधताएँ हैं। इन सब के होने के बावजूद भी भिन्न भिन्न लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के विचार जो है वो संकीर्ण हैं और कुछ लोगों के विचार जो है बहुत ही जो है संकीर्ण लोग होते हुए भी अगर जब संकीर्णता बहुत अधिक बढ़ जाती है तो भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है और जब लोग जो है इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो क्या है धर्म के नाम पर ये इस तरह के मुद्दे जो है नहीं होते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है कि शैक्षणिक पद्धति को आदत रुझान और चरित्र के गुणों का विकास करने के योग्य होना चाहिए जिससे कि अच्छे नागरिकों का विकास किया जा सके और उनको इस योग्य बनाया जा सके कि वो देश का और समाज का विकास कर सके और राष्ट्रीय और निरपेक्ष दृष्टिकोण के प्रकट होने में जो तत्व बाधा डालते हैं उन्हें अलग किया जा सके। देखिए जो है चाहे वो कोठारी आयोग हो या कमेटी हो, 1986 की पॉलिसी हो, उन्होंने सबने क्या किया कि धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम टू टाइम जो है जो करिकुलम है करिकुलम के दौरान उसके अंदर कुछ परिवर्तन किए गए, जिसमें सबसे पहले क्या है चेंज इन करिकुलम। जब करिकुलम में परिवर्तन किया गया तो जो है मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को बहुत अधिक महत्व दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं 1986 की पॉलिसी के दौरान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए। अनिवार्य मूल्यों के पतन की ओर बढ़ते हुए ध्यान एवं समाज में बढ़ते हुए सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करना और शिक्षा को एक बलशाली औजार के रूप में सबके सामने प्रस्तुत करना था। दूसरा है हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हो गया, यानी कि जो एक्सटर्नल वैल्यूज़ हैं ईमानदारी है और क्या है शिक्षा में एकता हो गई, शिक्षा को अपने लोगों की एकता ईमानदारी हो गया, सार्वभौमिक मूल्य हो गए, इन सबको जो है इम्पोर्टेंस देना और इसमें कल्पनाशील हिंसा अंधविश्वास और भाग्यवाद का उन्मूलन करने के लिए उनकी सहायता प्रदान करना है।
फिर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं सकारात्मक सामग्री के बारे में कि जो भी उस समय जो है शिक्षा की मांग थी, उस समय के अनुसार जो है जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी गई उसमें हमारी विरासत और राष्ट्रीय रक्षा को सार्वभौमिक अनुभवों के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। फिर देखते हैं कि जो प्रशासकीय थे यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने जो है सेक्युलरिज्म के बारे में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए। जब से भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है तभी से 6 से लेके 14 वर्ष तक के एक रूल बनाया गया कि 6 से लेके 14 ईयर तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको एजुकेशन के साथ साथ जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी उनको दी जाए। और यही नारा लगाया गया कि जो भी हमारे देश में गरीब जनता है या बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनको भोजन भी नहीं मिल पा रहा है तो वो शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेंगे, तो उनके लिए ये जो है नीति बनाई गई कि उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके और अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको भी पूरा कर सके, थोड़ी सी जहाँ वो शिक्षा ग्रहण करें वहीं पर उनको भोजन की भी प्राप्ति हो जाए। उसके बाद अनुकूल पाठ्यक्रम की बात करते हैं। अनुकूल पाठ्यक्रम स्कूलों में निर्धारित किया जाना चाहिए, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो कराई जानी चाहिए जैसे कि पाठ्य पुस्तकों का और विशेष बातों का प्रचार और प्रसार हो सके और सभी धर्मों के लिए समान और सभी धर्मों के साथ जो है प्रेम सम्मान को प्रोत्साहन मिलता रहे। उसके बाद बात करते हैं अधिकारीगण के द्वारा नैतिक शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदान किया गया, ये क्या करती है शिक्षकों का और साथ में विद्यार्थियों का के दृष्टिकोण में बदलाव करती है, उनके अंदर अच्छे गुणों का जैसे ईमानदारी हो गई, गंभीरता, कठोर परिश्रम, भाईचारे की भावना, अहिंसा, सह अस्तित्व यानी कि कॉपरेशन, इन सब गुणों का विकास करती है जिससे कि धीरे धीरे जो है समाज में अच्छे नागरिकों को तैयार किया जा सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ टीचर एंड हेडमास्टर्स ड्यूरिंग दिस जो है सेक्युलरिज्म के दौरान, धर्मनिरपेक्षवाद के दौरान अध्यापक और जो मुख्य अध्यापक है उनकी क्या क्या कर्तव्य हैं। नंबर एक, नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, इन सब विषयों को अध्यापक को सौंपे जाने चाहिए और ऐसे अध्यापकों के हाथ में देना चाहिए जो कि इनके बारे में जो है धनात्मक दृष्टिकोण या पॉजिटिव एटीट्यूड रखे और बच्चों के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स को पैदा करें और उनके व्यक्तित्व को जो है निखारने में उनकी सहायता करें और ताकि बच्चे जो है अच्छे अध्यापकों का अनुसरण करके जो है नए नए चीज़ों को सीख सकें। फिर नंबर दो है प्रत्येक स्कूल में विभिन्न धर्मों से संबंधित धार्मिक उत्सवों को मनाया जाए, कम से कम धर्म का कम से कम एक उत्सव संस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि सभी उत्सवों को सौहार्दपूर्ण बनाए और जिससे कि बच्चों के अंदर सभी धर्मों के लिए सम्मान पैदा हो। स्कूल अधिकारियों को भी धर्मों से संबंधित विषय पर भाषण प्रतियोगिताएं यानी कि टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उनको भी टाइम टू टाइम स्कूल के अंदर इस तरह के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए और इस तरह के लेक्चर्स देने चाहिए ताकि बच्चे इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकें और उनके अंदर धार्मिक समूह की भावना का विकास होता रहे। उसके बाद है संस्थानों में पर्यटन जो है एवं यात्राएँ, स्कूल को क्या करना चाहिए कि इस तरह की यात्राएं या फिर बच्चों को जब भी कोई टूर बनाए जाते हैं तो बच्चों को ऐसे स्थानों पर घुमाया जाए ताकि उनको जो है ओल्ड हेरिटेज के बारे में, पुरानी संस्कृति सभ्यता के बारे में उनको नॉलेज हो, उन चीज़ों के बारे में और अधिक जान पाएँ। फिर है विभिन्न धर्मों में बहुत सी बातें जो है साझी हैं, इस तरह के उत्सव मनाने चाहिए, सामाजिक सेवा करनी चाहिए, मानव जाति की सेवा जो कि स्कूलों को जो है स्कूल को प्रकाशित कर सके और विद्यार्थियों को इन गतिविधियों के अंदर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संस्थानों को अनौपचारिक प्रकार के निर्देशों के द्वारा धार्मिक अध्ययन और शिक्षण अध्ययन पर बहुत अधिक बल देना चाहिए, बहुत सारी बातें जो है बच्चे इस दौरान उनको सुनने में मिलती हैं, सीखने के लिए मिलती हैं, इन चीज़ों को अपना कर जो है जीवन में विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम हम किस तरह से चला सकते हैं या क्या क्या चलाए जाने चाहिए। देखिए भारत, हम सब जानते हैं भारत जो है विद्यार्थियों को हमने क्या करना है, धार्मिक शिक्षा जो है देनी है जिससे क्या होगा आदर्श योजना तैयार हो पाएगी और विद्यार्थी विभिन्न शैक्षिक स्थितियों में रहते हुए भी धर्म के बारे में शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए, नंबर एक कुशल व्यवस्थित पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए उसमें जो है धर्म के विषय में
तथा एक ही धर्म की विरासत नहीं होनी चाहिए, मतलब सभी के सभी धर्मों के ऊपर समान रूप से अपनी वार्तालाप की जाए, समान रूप से वहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत किए जाएँ। जो भी पाठ्य सामग्री लगाई जा रही है, बच्चों को जो पाठ्य सामग्री दी जा रही है उसमें नैतिक गुणों जैसे प्यार, बलिदान और भाईचारे की भावना का समावेश होना चाहिए। नंबर दो, धार्मिक निर्देश के तरीके क्या करना चाहिए। जब भी हम करिकुलम डिसाइड करते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन सबका बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो धर्म के प्रसंग का सार ज्ञान प्रदान करना होना चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। धार्मिक शिक्षा के द्वारा इस तरह का वातावरण पैदा किया जाना चाहिए कि बच्चे अध्यापक जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करें और स्कूल के द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं से जो है लाभ उठा सकें। उसके बाद है विभिन्न त्योहारों और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इस आयोजन के दौरान जो है अच्छी अच्छी बातों और मूल्यों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और जो है दूसरे धर्मों, अपने धर्म और अन्य धर्मों के बारे में समान रूप से जो है उनको समान रूप से उनको इम्पोर्टेंस या उनको जो है महत्व प्रदान किया जाना चाहिए और बच्चों को अवसर मिलना चाहिए कि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। फिर है समानता की भावना का विकास। शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, धर्म के विचार, धर्म के ऊपर जो भी विचार है और विश्वास पर बहुत जोर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म के ऊपर विचार या उनके ऊपर ही जोर दिया जाए। सभी धर्मों को समान माना जाना चाहिए, हीन भावना को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और खुले विचारों को जो है बच्चों को खुले विचार बच्चों के सामने रखने चाहिए और उनके विचारों को भी जो है स्थान देना चाहिए, जिससे कि क्या हो, उनके अंदर जो है नेगेटिव भावनाएं यानी कि ऋणात्मक भावनाओं का समावेश न हो सके। फिर है विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक समीक्षा। अगर हम कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि विभिन्न धर्मों की तुलना करते हैं तो वो तुलना जो है समीक्षात्मक होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं कही जाए जिससे कि किसी को ठेस पहुँचे। चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धार्मिक पुस्तकों में हिंदू धर्म इस्लाम ईसाई बौद्ध सिख सभी धर्मों के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उन सब की प्रशंसा की जानी चाहिए। उसके बाद है अध्यापकों को प्रशिक्षण। अध्यापकों को इस विषय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि कोई भी जब भी कोई भी सम्मेलन हो, कोई गोष्ठी हो, कोई भी डिबेट कंपटीशन हो, कुछ भी हो, तो अध्यापक जो है पॉजिटिव थॉट्स को बच्चों के सामने ज़्यादा रखें, उनके जो भी महापुरुषों के द्वारा कार्य किए गए उनके बारे में उनको बताएं ताकि उनको ज़्यादा उनके बारे में नॉलेज प्राप्त हो सके। धार्मिक निर्देश के कार्य को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करने के लिए राज्य स्तर पर और जो है अध्यापकों को उचित प्रशिक्षण का प्रबंध कराना चाहिए और इन कार्यक्रम को अर्थपूर्ण सफल कराने में जो है अध्यापकों का सहयोग अति आवश्यक होना चाहिए। उसके बाद है डिबेट कंपटीशन और है धार्मिक स्थलों का भ्रमण हो गया और यात्राएँ हो गई। डिबेट में क्या है कि बच्चों को जो है अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वो अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकें और समय समय पर स्कूल कॉलेज जो है इस तरह की विचार गोष्ठियाँ या इस तरह के टूर जो है ऑर्गेनाइज करें जिससे बच्चे नई नई चीज़ों के बारे में जान सकें। ठीक है, ये थे हमारा आज का टॉपिक कि धर्म निरपेक्ष क्या है, किसके इसके क्या अभिप्राय है इससे हमारा, और हमें धर्म जो है प्रत्येक धर्म हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाता है और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करें और विद्यार्थियों में प्यार, आदर, सम्मान, बलिदान, सहनशीलता और धार्मिक मूल्यों का विकास किया जा सके। थैंक यू।